इन पीएफए की बात करें तो लैया में पंजाब फूड अथॉरिटी मिलावट माफिया के खात्मे के लिए सरगर्म हो चुकी। फूड सेफ्टी टीम का लब नीलम पुल पर जाली दूध तैयार करने वाले मिल्क कलेक्शन सेंटर पर छापा। मस्नूई तरीके से तैयार 1300 लीटर जहरीला दूध तलब कर दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, जहरीला दूध जो है वो 1300 लीटर तलब करके मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया है। मुल्जमान पाउडर और दीगर केमिकल्स की मदद से जाली दूध तैयार कर रहे थे। पंजाब फूड अथॉरिटी मिलावट माफिया के खिलाफ इन एक्शन है। फूड सेफ्टी टीम का लबे नीलम पुल पर जाली दूध तैयार करने वाले मिल्क कलेक्शन सेंटर पर छापा। मस्नूई तरीके से तैयार 1300 लीटर जहरीला दूध तलब कर दिया गया। मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने एक शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया है। मजीद बात करेंगे जाहिद सरफराज से। जाहिद, मजीद के तफसीलात हैं। अगर बात की तो लैया में मध्य निगम पुल पर एक बड़ी कार्रवाई की गई, जिसके दौरान जो मिलावट माफिया है जो जहरीला और केमिकल से दूध दे तैयार कर रहा था, जिसके जख्मी इंसानी जानों के लिए इंतहाई मुजर सेहत भी है, तो वो दूध रोशनी से 1300 लीटर जो है वो जहरीला दूध तरफ गया, जबकि बाकी जो सामान था जिसमें 125 किलो पाउडर, इसके साथ साथ ड्राम जो दूध जैसे सामान थे जिसमें एक पिकअप डाला भी शामिल था और बाकी दूध ड्राम थे वो भी कब्जे में लेकर एक शख्स के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए, मौके पर गिरफ्तार कर दिया गया। ये जो यहाँ पर फैक्ट्री थी जहाँ पर मुसरत रूप के वाले से शिकायत मशहूर हो रही थी, जिस पर पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई की और कार्रवाई के दौरान मौका पर भी जो दूध अगर तैयार करने की जो शवायत हो मिले, जिस हिसाब से जो केमिकल से दूध तैयार किया जाता है वो पकड़ा गया, जिसके खिलाफ कार्रवाई की। बल्कि पंजाब फूड अथॉरिटी जैसी जैसी प्राण है डीजी फूड अथॉरिटी, इनकी यही बताया जा रहा है कि लैया और दीगर इलाके हैं वहाँ पर मुसलसल जो जहरीला मुगर सेहत जो अशिया के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और शहरी पंजाब फूड अथॉरिटी के तावन करें ताकि ये मुजर सेहत अशिया बनाने वालों से सख्ती से निपटा जाए। मुजर सेहत अशिया बनाने वालों से सख्ती से निपटा जा सके, शहरी तावन करें, पीएफए का ऐसा कहना है। जाहिद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।